आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने गुजरात सरकार से मांग की थी कि अशित वोरा का इस्तीफा होना चाहिए, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और जब तक ये नहीं होता तब तक मैं और महेश सवानी जी हम अन्न त्याग कर रहे हैं, सिर्फ जल लेंगे और उसके बाद हम तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम आश्रम गए, बापू आश्रम जाके हमने उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से हम कलेक्टर ऑफिस के लिए पैदल जा ही रहे थे कि बीच में पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में हम पूरा दिन बैठे रहे, उनका कहना था कि आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, हमने इजाज़त के लिए भी अप्लाई कर दिया, इतना बड़ा वो नहीं था, दो लोगों के बैठने की इजाज़त देनी थी। शाम तक होते होते पुलिस ने वापस हमें आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश के ऑफिस पर नज़रबंद बना दिया गया है, ना पुलिस स्टेशन में रखते हैं ना वो हमें जेल भेज रहे हैं। मैंने साफ साफ शब्दों में कहा डीसीपी साहब को कि हमें जेल भेज दीजिए अगर हम इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, हमें पुलिस स्टेशन में रखिए, हमें अनशन बाहर सड़क पे करना है, एक शांतिपूर्ण तरीके से करना है, कलेक्टर ऑफिस के बाहर बहुत जगह है वहाँ पे हमें अनशन करना है, लेकिन अभी तक इजाज़त नहीं मिली है और अभी हम सबको पार्टी ऑफिस में छोड़ के और बाहर पूरा पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं, हमारा अनशन पार्टी ऑफिस में बैठ के जारी रहेगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और 24 घंटे अगले 24 घंटे में हमें अगर परमिशन नहीं मिली तो हम कलेक्टर ऑफिस के बाहर बिल्कुल बैठेंगे, फिर उसके बाद पुलिस चाहे हमें जेल भेजे, पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज करे, जो मर्जी करे। और इस अनशन के दौरान जैसे मैं देख रहा था महेश भाई जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मैं खुद बीपी पेशेंट हूँ, मेडिसिन लेता हूँ डेली, इस पूरे अनशन के दौरान हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस अनशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार की लापरवाही से कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधा सीधा गुजरात सरकार जिम्मेवार होगी और एक व्यक्ति को बचाने के लिए होगी, ये पूरा गुजरात देखेगा, 6.5 करोड़ लोग देखेंगे।